वेलकम बैक टू मिशन डी ट्रिपल एस बी यूट्यूब चैनल दोस्तों। पार्ट नंबर 3 है ये, टाइम एंड वर्क के टॉप 20 क्वेश्चन हम कर रहे थे। ये आपका जो पार्ट नंबर है वो है 3, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 10 क्वेश्चन हमने पहले डिटेल में समझे, उसको डिटेल में किया। इसमें कुछ और नए क्वेश्चनों को भी मैंने ऐड किया, और आपकी रिक्वेस्ट पे जो क्वेश्चन आए थे कि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है मैंने, वो आप आगे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। ए जो है 15 दिन के अंदर काम करता है, बी जो है 20 दिन के अंदर काम करता है। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर उन दोनों ने मिलकर के 4 दिन काम किया, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, ठीक है, तो कितना उसका अंश जो है वो बच गया काम का, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन दिया गया, आंसर हमें फ्रैक्शन के अंदर निकालना है। वही ट्रिक रहेगी, अगर आपने नहीं देखी तो प्रीवियस पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये हेल्प करेगी आपकी ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए जो है हमारे पास 15 दिन में काम कर सकता है, और बी जो है वो 20 दिन के अंदर। ए काम करता है 15 दिन, बी का उसी काम को करता है 20 डेज के अंदर, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, हम टोटल काम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा टोटल काम हमारा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम बड़े वाले को, बड़े वाले की टेबल लेकर जाएंगे और देखेंगे 20 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 3 60। तो 60 कट रहा है 15 से, तो क्या आ गया 15 जो कि 60 यहाँ से, और 20 दिया 60, यहाँ पे आ गया 3। मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तभी तो वो 20 दिन काम करके 60 काम पूरा कर लेगा। और यहाँ 4 काम कर रहा है एक दिन में, 15 दिन काम करके 60 काम पूरा कर लेगा। 4 दिन दोनों ने इकट्ठे काम किया तो टोटल 7 काम करते हैं एक दिन के अंदर। मतलब 4 दिन इकट्ठे किया, 7 चौके 28 काम जो था वो इकट्ठे किया उन दोनों ने। शेष काम कितना रह गया, टोटल कितना काम था हमारे पास 60, तो 28 तो उन्होंने काम कर लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचा वो बचा हमारे पास 32 काम बच गया लास्ट में। अब इन्होंने पूछा फ्रैक्शन के अंदर कितना बचा, तो हम क्या करेंगे, तो 32 हमारा काम जो है वो रह गया जो नहीं हुआ, और टोटल काम कितना था 60 था, ठीक है। तो इसे हम जब काटेंगे 4 8 32, 4 को 60 से करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और आगे कट रहा है और आगे नहीं कट रहा, तो 8/15 हमारा जो काम है वो रह जाएगा। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था, 8/15 उनका आंसर बिल्कुल सही है। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और दोस्तों अन अकेडमी पे मुझे आप फॉलो कर ले, वहाँ भी अच्छे अच्छे कोर्स बना रखे हैं। 1001 लाइनर की सीरीज़ मैंने चलाई हुई है वहाँ पे, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ठीक है, और आपकी उसके अंदर हिस्ट्री, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सारे के सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी 1000 की मैंने सीरीज चलाई हुई है अन अकेडमी के ऊपर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर और स्टडी मटेरियल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। देखिए, स्टेशनों के बीच में ना ट्रैक बिछाने में 16 दिन लगाता है ए, और बी लगाता है 12 दिन। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज, उन्होंने सी की हेल्प ली और 4 दिन के अंदर सारा काम समाप्त कर दिया। तो सी अगर अकेला करता तो उसको कितने दिनों में करता, तो चलिए देखते हैं। ए कर रहा है 16 दिन के अंदर, ठीक है, 16 डेज के अंदर। और जो आपका बी है वो कितने दिन के अंदर कर रहा है, बी कर रहा है आपका 12 डेज के अंदर। सी की हेल्प लेने से 4 दिन में काम समाप्त हो गया। तो दोनों का हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो बड़ा 16 है, तो 16 की टेबल मैं आगे लेकर जाता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम आ गया मेरे पास 48 दोनों से कट रहा है, 16 3 48, 12 4 48। एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। अब देखिए, हेल्प ली सी की, 4 दिन के अंदर काम समाप्त कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
तीन और चार सात तो काम ये दोनों करती हैं एक दिन के अंदर, सी की हेल्प ली, टोटल काम कितना था आपका 48 काम था टोटल। सी की हेल्प लेने से सात तो काम ये कर ही रहे हैं, मान लीजिए हेल्प जो ली है सी की वो मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो गया सी की हेल्प से, चार दिन के अंदर। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, मतलब एक्स जो है हमने माना था सी, सी एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो टोटल काम कितना है हमारा 48, टोटल हमारा 48 काम है और सी एक दिन के अंदर 5 काम करता है, तो टोटल वो काम करेगा 48/5 दिनों के अंदर, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास सेकंड, 48/5 दिनों के अंदर सी काम करेगा, क्योंकि सी का निकालना था हमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 and 60 डेज। ए बी और सी 20, 30 और 60 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी। और बी और सी से मदद लेता है एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन वो बी और सी से मदद लेता है ए, तो वो कितने दिनों में ये समाप्त कर देगा, ठीक है। चलते हैं करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ए बी और सी, पहले टोटल काम निकाल लेते हैं हम। ए काम करता 20 दिन के अंदर, बी काम करता 30 दिन के अंदर, और सी जो है वो 60 डेज के अंदर। टोटल हमारा एलसीएम आ गया 60, 20 + 60, 30 × 60, 60 × 60। तो एक दिन का काम सभी का हमने निकाल लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि हर तीसरे दिन बाद वो सी की मदद ले रहा है, तो पहले दिन वो 3 काम कर रहा है मतलब ए, दूसरे दिन भी 3 काम कर रहा है, ठीक है, तीसरे दिन मदद ले रहा है, तीसरे दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, 3 × 2 = 5 और 6 काम। तो मतलब क्या हुआ कि 6 और 3 9 और 3 12 काम कर रहे हैं वो 3 दिन के अंदर, ठीक है ना, 12 काम कर रहे हैं वो 3 दिन के अंदर। यहाँ ध्यान दीजिए आप, 12 काम हो रहा है, डेज लग रहे हैं 3, टोटल हमारा कितना है 60 काम है। 60 कब होगा, 12 × 5 = 60 होता है, तो मतलब 12 काम हो रहा है 3 दिन के अंदर, तो गुना 5 कर देंगे तो कितने दिन के अंदर होगा, 3 × 5 मतलब टोटल 15 दिनों के अंदर हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है, टोटल 15 डेज के अंदर हमारा काम हो जाएगा अगर वो सी से हेल्प लेते हैं, बी और सी से हेल्प लेता है ये हर तीसरे दिन। तो आंसर है हमारा इसका सेकंड, बिल्कुल सही, 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 14, ए ट्राइज एज गुड एज वर्कमैन एज बी। जो ए है वो 3 गुना ज़्यादा क्षमता है बी से काम करने की उसकी, देयर फार इज एबल टू फिनिश ए जॉब 60 डेज लेस देन बी। इसीलिए वो ए जो है 60 दिन पहले काम समाप्त कर लेता है बी से। वर्किंग टुगेदर, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं, दे कैन डू इट इन, तो वो कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, ये इफ़िशेंसी का समय है तो उसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ए बी, ठीक है, ए अगर एक दिन के अंदर काम समाप्त कर रहा है तो बी 3 दिन के अंदर करेगा, क्यों, क्योंकि वो 3 गुना ज़्यादा समय लगाता है, ये 3 गुना उससे कम समय लगाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखा जाए तो 2 डेज का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब कि यहाँ करो, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस ऑफ 2 डेज, 2 दिन का इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ देखिए आप, ठीक है, 2 दिन का डिफरेंस है, तो बी कितना टाइम लगा रहा है उस, अगर डिफरेंस 2 दिन का है तो उस टाइम बी टाइम लगा रहा है आपका 3 दिन लगा रहा है जब 2 दिन का डिफरेंस है। अब उसने क्या किया कि 60 दिन पहले काम समाप्त कर लेता है, मतलब 60 दिन का अगर डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ 60 डेज, बी टेक्स 90 डेज, क्यों, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 60 डेज आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से तो 90 आएगा हमारा।
अब 60 दिन का जो था डिफरेंस, तो हमारे 90 डेज लगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, जो ए है वो 30 दिन के अंदर काम समाप्त करता होगा, ये देखिए 90 डेज है, बी 90 दिन लगा रहा है, तो इसका मतलब वो 60 दिन पहले काम कर लेता, 30 दिन लगाएगा, तो इसका मतलब बी कितने दिन लगाएगा हमारा, 90 डेज, और ए हमारा आ गया 30 डेज, बिल्कुल सही। तो इन दोनों का हम टोटल वर्क निकाल देंगे 90, तो एक दिन का काम आ जाएगा इनका 30 या 90, 90 के 90। ए जो है वो एक दिन में तीन काम करता है, बी जो है एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। बट इन दोनों को मिलाकर के अगर दोनों ही काम करने लग जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, हमको यही निकालना था। तो टोटल काम कितना है 90, दोनों मिलकर करेंगे तो तीन और एक चार काम करेंगे, तो मतलब चार आ गया, ठीक है। इसको दो से हम काट देंगे तो 45 अपॉन में 2 डेज लगेंगे टोटल काम करने को। इसको हम लिख सकते हैं 22 सही 1/2, 22 दिन 44 और एक 45 बटे 2 डेज, ठीक है, इसको ये भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर हो जाता है इसका 45 बटे 2 दिन, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, आप आंसर भी देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी अलोन इन 8 डेज, ठीक है। ए एंड बी अंडरटेक टू डू इट फॉर रुपये 3200 विद द हेल्प ऑफ सी, दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। ए जो है वो 6 दिन के अंदर काम करता है, बी जो है वो 8 दिन के अंदर काम करता है, सी की हेल्प से वो 3 दिन के अंदर काम समाप्त कर लेते हैं, टोटल उन्हें 3200 रुपये मिलने हैं, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ए जो है वो 6 दिन लगाता है, बी जो है 8 दिन लगाता है, हमारे पास ट्रिक तो एक ही है क्वेश्चन को करने की, 6 दिन लगाता, बी जो है वो 8 दिन लगाता, ठीक है। तो टोटल हमारा वर्क कितना होगा 24, तो 6 × 24, 8 × 24, एक दिन के अंदर चार काम करता है, बी एक दिन के अंदर तीन काम करता है, सी की हेल्प से उन्होंने 3 दिन के अंदर काम समाप्त कर लिया, मतलब टोटल काम 24 था, 4 × 3 = 7, 7 काम तो ए और बी कर ही रहे हैं, हेल्प ली सी की, मतलब एक्स मैंने मान लिया, सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है, कितने दिन के अंदर काम समाप्त होगा 3 दिन के अंदर, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 1, सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है वो एक दिन के अंदर एक काम करता है, ठीक है। तो टोटल पैसे उनको कितने मिल रहे हैं, ए जो है वो 4 काम कर रहा है और बी 3 काम कर रहा है और सी 1 काम कर रहा है, सारे एक दिन के अंदर काम कर रहे हैं। मैंने मान लिया 4y + 3y + 1y, इनको सभी को कितने रुपए मिलेंगे, 3200 रुपए, ठीक है, ये मैंने पैसों में बना लिया, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, 8y, y = कितना आ गया हमारा 400 रुपए, 400 रुपए मिलेंगे, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे जब 4y में, तो आ जाएगा हमारा 1600, a को मिलेंगे हमारे 1600 रुपए, a की अगर बात की जाए, b की बात की जाए, 400 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1200 रुपए, b को मिलेंगे कितने 1200 रुपए, c की बात करें तो 1 × 400, तो हमारे आ जाएंगे 400, चार तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 3200 ही बन रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने सिर्फ सी का पूछा था, तो हम बता देंगे 400 रुपए मिलेंगे सी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है, ये क्वेश्चन था 15, ऑप्शन नंबर हमारा है 400 रुपए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ, तो इसका आंसर है 400 रुपए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इफ 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज व्हाइल 26 मैन एंड 48 बॉयज कैन डू द सेम इन 2 डेज, द टाइम टेकन
by 15 men and 20 boy is doing the same type of work will be. तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए कि 6 आदमी और 8 बच्चे, 8 बॉयज़ या लड़के उस काम को करते हैं और 10 डे के अंदर, टोटल 10 डेज के अंदर, और 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन के अंदर करते हैं, 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कैसे हम सोल्व आउट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 6 मैन और 8 बॉयज काम करते हैं 10 डेज के अंदर, ऐसे ही 26 मैन और 48 बॉयज काम कितने में करते हैं, 2 दिन के अंदर। तो ऐसे इस क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है, ऐसे लिखना होता है। उसके बाद जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 60 मैन, ठीक है, 80 बॉयज, तो ऐसे आप करोगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पेन सही नहीं चल रहा, 60 मैन 80 बॉयज, ठीक है, 60 मैन 80 बॉयज कितने में इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 26 दुनी 52 मैन प्लस 96 बॉयज, ठीक है। ऐसे ही हम जब सोल्व करेंगे, मैन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 बॉयज, मतलब एक बंदे जितना जो काम है वो 2 लड़के करते हैं, 2 बॉयज करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना क्या है, 15 मैन और 20 बॉयज का हमने निकालना है, ठीक है, 15 मैन और 20 बॉयज का। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए मैन निकाल लेते हैं हम, 15 मैन प्लस 20 बॉयज, 2 बॉयज किसके, 1 मैन के इक्वल है, तो 20 बॉयज किसके इक्वल होंगे, 10 मैन के, तो 10 मैन के टोटल हमारे पास क्या आ गया जो हमने निकालना था, 25 मैन काम करते हैं। अब हमने बताना है कितने टाइम में करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, तो हमें क्या दिया हुआ है, 26 मैन प्लस 48 बॉयज दिया हुआ था, ये 2 दिन के अंदर काम कर रहे थे पूरा। अगर इसको हम मैं सारे मैन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ है, तो 24 मैन हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले निकाला 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 26 और 24 50 मैन आ गया, जो कि 2 दिन के अंदर काम कर रहे हैं। हमें 25 मैन का निकालना है, 25, अब देखिए 50 बंदे तो 2 दिन के अंदर काम करते हैं, अगर बंदे हमने बिल्कुल आधे कर दिए तो काम जो है वो टाइम जो है डबल हो जाएगा, तो मतलब 2 × 2 4 दिन के अंदर वो काम करेंगे, क्योंकि जो वर्क होता है ना, जैसे वर्क होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, मतलब या टाइम एंटी प्रोपोर्शनल टू होता है वर्क के, तो इसीलिए जब बंदे घटा देंगे तो टाइम उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, तो टोटल हमारा आ जाएगा 4 दिन के अंदर ये सारे के सारे काम करेंगे, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर है हमारा सेकंड, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी अच्छे अच्छे कोर्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वहाँ प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट कीजिए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। ए जो है वो 4 घंटे में काम करता है, बी और सी दोनों मिलकर 3 घंटे में काम कर लेते हैं, ए और सी दोनों मिलकर 2 घंटे में, तो बी अकेला इसको कितने समय में करेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसी ट्रिक से बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। तो देखिए आपको करना क्या है, ए जो है वो 4 दिन के अंदर करता है, ए जो है वो 4 दिन के अंदर करता है, बी प्लस सी मतलब बी और सी दोनों मिलकर 3 दिन के अंदर करते हैं, ए और सी मिलकर कितने दिन के अंदर करते हैं, ए और सी मिलकर 2 दिन के अंदर करते हैं, दिन मतलब या घंटे जो भी लगा लो, घंटे दिए हुए हैं कोई बात नहीं, अब घंटे लगा लो। तीनों का जब मैंने एलसीएम निकाला तो मेरे पास आया 12, ठीक है, तो तीनों का एक दिन का काम कितना है, 3, 4 और 6, 2 × 6 = 12, 3 × 12 = 4, 3 = 12, ये ए का एक दिन का काम हो गया, बी का एक दिन का काम,
सीखा एक दिन का काम। हमने क्या निकालना है, ए प्लस सी का हमें पता है, अगर हम एक इसमें से घटा देंगे तो ए का सॉरी सी का एक दिन का काम निकल आएगा, ऐसे ही हम सी बी प्लस सी में से घटाएंगे तो बी का एक दिन का काम निकल आएगा, ठीक है इस टाइप से। तो देखिए हम करते हैं, क्योंकि हमें निकालना किसका है, ये ऊपर देखिए बी का निकालना है, ठीक है बी का निकालना है, ऐसे तो बी का निकाल ही नहीं सकते हम, सी का तो हमें चाहिए ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ कर लेते हैं हम ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 6 है। अगर इसमें से मैं ए का घटा देता हूँ, एक दिन का काम ए का एक दिन का काम कितना है, 4 है, तो ए से तो ए कट गया, सी का आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, सी का एक दिन का काम क्या आ गया, 2। सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही सी हम बी प्लस सी में से घटाएंगे तो हमारा बी आ जाएगा, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, ऊपर देखिए बी प्लस सी का एक दिन का काम है कितना है, 3 है। तो मैं सी का यहाँ से घटा रहा हूँ, सी का एक दिन का काम कितना है, 2 है, तो यहाँ से 2 घटा दिया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 1 है। समझ आ गई, टोटल काम कितना है हमारे पास यहाँ पे देखिए, सॉरी ये बहुत नीचे आ गया, यहाँ देखिए हाँ यही क्वेश्चन है। तो टोटल काम हमारे पास कितना है, 12 है, टोटल काम हमारे पास कितना है, 12, ठीक है। और बी जो है वो एक दिन के अंदर एक काम करता है, तो 12 काम कितने दिन के अंदर करेगा, 12 डेज के अंदर, 12 दिन के अंदर वो समाप्त करेगा इस काम को, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास 12 डेज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों को लेने की कोशिश किया ताकि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ। तो ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट, ए जो काम करता है उतने ही समय में बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज, अगर ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन के अंदर करते हैं तो सी अकेला 50 दिन के अंदर करता है, तो बी अकेला कितने दिन के अंदर करेगा। आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उलझा रखा है, बट कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 10 दिन के अंदर करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी दोनों 10 दिन के अंदर काम करते हैं, सी जो है वो 50 दिन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 50, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 5, और सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 1 आ गया। और तीनों मिलकर वो काम कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों को मैं मिला देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में, 6 काम करते हैं, 5 ये करते हैं और 1 ये करता है, टोटल 6 काम करते हैं, तो कितने दिन के अंदर, टोटल काम 50 है, तो और ये एक दिन के अंदर 6 काम करते हैं, तो 50/6 दिनों के अंदर करेंगे तीनों मिलकर के। तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, कि बी प्लस सी जो काम करते हैं वो ए काम जो करता है उसके बराबर काम करते हैं, तो मतलब ये ए हो गया और बी प्लस सी भी ए हो गया, क्योंकि ये दोनों एक ही समय में सारा काम कर देते हैं और दोनों सेम इफिशियंसी के साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 क्या आ गया, 50/6 डेज में, तो ए जो है हमारा क्या आ गया, 50/3, 50/3 दिन के अंदर काम समाप्त करता है ए। अब ए आ गया, ए प्लस बी भी आ गया, सी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो बी आसानी से हम निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ देखिए ए हमारे पास अब आ गया, 50/3 दिन के अंदर काम करते हैं, ए प्लस बी अगर मिल जाए तो वो 10 दिन के अंदर काम करते हैं, सी 50 दिन के अंदर काम करता है, सॉरी यहाँ पे 50 आएगा, तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 5 और 1। अब देखिए ए का बी का और सी का काम आ गया, हमने किसका निकालना है, बी का निकालना है ना, बी अकेला कितने दिन में करता है, तो ए प्लस बी में से अगर ए घटा देंगे तो बी का आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है, यहाँ से हम ए का काम घटा देंगे तो ए का काम कितना घट गया, 3, एक दिन का काम 3 था उसका, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ए का एक दिन का काम 3 है,
हमने निकाला, तो ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया, दो। बी एक दिन के अंदर दो काम करता है, तो टोटल काम हमारे पास 50 है, एलसीएम हमारे पास 50 था, तो एक दिन के अंदर दो काम करता है तो टोटल काम वो कितने दिन के अंदर करेगा, 25 दिन के अंदर बी टोटल काम करेगा। आपको मैं बता दूं बहुत ही टफ लेवल का ये क्वेश्चन था, अगर आप करते हैं तो और किसी भी मेथड से, इस मेथड से करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, आसान सी ट्रिक है, 25 डेज इसका आंसर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, थोड़े टफ जरूर हैं, बट कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम है आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते। ए डज 80% ऑफ ए वर्क इन 20 डेज, ही देन कॉल्स इन बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। 80% काम कर लेता है 20 दिन के अंदर ये, बट बाकी का जो काम है बी को बुला करके 3 दिन के अंदर पूरा कर लेता है। तो हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क, अगर बी अकेला करे तो वो कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन है। 20% जो काम है वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, 80% काम जो है वो सिर्फ ए कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, देखिए 20% जो काम है ना वो कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 3 दिन के अंदर, और 80% जो काम है ना वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है कितने दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, ठीक है। ए प्लस बी को मैं 80% तक लेके चला जाता हूँ, 80% लेके तक जाऊँगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ए प्लस बी 80% काम कितने दिनों में करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 दिन के अंदर, ठीक है, क्योंकि 20% 3 दिन के अंदर करते हैं, तो 80% मतलब 4 से गुना, तो यहाँ भी तो 4 से गुना होगी ना, टोटल 12 दिनों के अंदर ये करेंगे ए प्लस बी। और ए जो है 80% काम दोनों को सेम कर लिया ना मैंने, ए 80% काम कितने दिनों के अंदर करता है, 20 दिनों के अंदर, तो ये काम आ गया हमारा। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60, 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60। ए प्लस बी एक दिन के अंदर 5 काम करते हैं, ए एक दिन के अंदर 3 काम करता है, 80% काम हमने अभी देखा, ठीक है। तो अब हम ए प्लस बी में से अगर बी का काम घटा दें, ए प्लस बी काम 5 करता है एक दिन के अंदर और ए जो है वो 3 करता है, 3 हम घटा देंगे तो टोटल हमारे पास 2 काम आ गया सिर्फ बी का, बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2, बी एक दिन के अंदर 2 काम करता है, टोटल हमारे पास एलसीएम कितना था, 60, तो 60/2 30 दिन के अंदर 80% काम कर लेगा बी, हम बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बी आ गया ना क्योंकि ए तो कट ही गया, बी 30 दिन के अंदर काम करता है 80%, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए 80% है, 100% की वैल्यू अभी नहीं निकली हमारे पास, 80% काम करता है बी 30 दिन के अंदर, 1% काम कितने दिन के अंदर करेगा, 30/80 दिन के अंदर, 100% काम हमने करवाना है तो 100% काम कितने दिन के अंदर करेगा, 30/80 गुणा में 100, ठीक है। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 4 से यहाँ 25, 25 × 100, 4 × 2 = 8, 25 × 75/2 दिन के अंदर वो काम करेगा, इसे हम लिख सकते हैं 37 / 1/2, 37.5 दिन के अंदर वो काम पूरा कर लेगा बी अगर अकेला काम पे लगता है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है बी 75/2। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप अगर देखेंगे मेथड को समझेंगे तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है, बी वर्कड फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, 10 दिन काम किया बी ने और जॉब को छोड़कर चला गया, मतलब ए 18 दिन के अंदर करता है, बी 15 दिन के अंदर करता है, बी जो है वो 10 दिन काम करता है, जॉब को छोड़कर चला जाता है, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन डू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो ए बाद में कितने दिनों में वो समाप्त करेगा काम को। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ए कितने दिन के अंदर करता है, 18 दिन के अंदर करता है, बी कितने दिन के अंदर करता है, 15 दिन के अंदर करता है, इन दोनों का एलसीएम आ गया 90, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, एक दिन के अंदर 5 काम करता है, बी एक दिन के अंदर 6 काम करता है, ये समझ आ गया आपको। बी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया और छोड़कर चला गया, 10 दिन काम किया तो 6 दाया 60 उसने काम कर लिया,
टोटल काम कितना था? 90 था। 90 में से 60 तो काम हो चुका, तो कितना आ गया? 30 काम रिमेनिंग रह गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 दिन तो उसने काम किया ना, तो टोटल काम कितना रह गया? 30 रह गया, और शेष जो काम है वो रह गया 30। और एक दिन के अंदर कितना काम करता है? 5 काम करता है, आपको पता है। यहाँ से एक दिन के अंदर 5 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन के अंदर करेगा? 6 दिन के अंदर वो काम करेगा ए, जो रिमेनिंग वर्क है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आपके सामने। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अन अकेडमी मुझे फॉलो कर ले, वहाँ भी अच्छे अच्छे कोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो ऐसी ही और अच्छी वीडियो के लिए मिशन डी ट्रिपल एस बी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।